व्यू कर रहे हैं वो लाइक कर दें, जो इस चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर ले। आज मैं डिस्कस कर रही हूँ PCOD, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। PCOD होने का सबसे बड़ा रीज़न है हमारा लाइफ स्टाइल। PCOD ओमेन में हार्मोन इंबैलेंस के कारण ओवरी में स्मॉल साइज के सिस्ट होने लगता है। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इंबैलेंस हो जाता है तब एंड्रोजन हार्मोन प्रोड्यूस करने लगता है। एंड्रोजन हार्मोन एक मेल्स हार्मोन है। ओवरी में पीरियड के कुछ दिन बाद फॉलिकल अंडे बनने लगते हैं जो 14वें से 15वें दिन मैच्योर होकर रिलीज हो जाता है। PCOD में एक डिस्ट्रॉय नहीं हो पाता है। जब एंड्रोजन हार्मोन डेवलप होने लगता है ओवरी में तो छोटी छोटी तरल पदार्थ युक्त सिस्ट तैयार हो जाता है जो धीरे धीरे बड़ा आकार में डेवलप हो जाता है, जिसके कारण इनफर्टिलिटी, प्रजनन क्षमता में और प्रेगनेंसी में दिक्कतें आने लगती है। जब एंड्रोजन हार्मोन डेवलप होता है उसके कारण हमारे फेस पे, फुल बॉडी पे हेयर का एक्स्ट्रा ग्रोथ होने लगता है। फेस पे ज़्यादातर, शोल्डर्स पे, चेस्ट एरिया पे, थाई पे ज़्यादा डेवलप होता है। पिंपल्स की संभावनाएं, मेंस्ट्रुअल साइकिल पे भी दिक्कतें आने लगती है, जिसके इरेगुलर्स, पीरियड का रुक रुक के आना, हेयर फॉल, डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है, HDL का कम हो जाना, ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा हो जाता है। ज़्यादा लोग स्ट्रेस लेते हैं। यंग में अल्कोहल और स्मोकिंग का ज़्यादा यूज करना, PCOD होता है, स्लिपनेस हो जाता है, नींद की कमी, गर्भधारण में प्रेग्नेंट में मुश्किलें आना, सेक्स में कमी आना, बार बार गर्भपात हो जाना, ओबेसिटी का बढ़ना, मोटापा बहुत ज़्यादा होने लगता है। मोटापा होने से प्रेगनेंसी में दिक्कतें आने लगती है। लाइफस्टाइल सही तरीके से रखेंगे तो हमारा PCOD 70% तक कम हो जाता है। इसके लिए हमेशा हेल्दी डाइट, बैलेंस डाइट लें, उसके लिए एक्सरसाइज करें, रनिंग करें, जंक फूड को अवॉइड कर दें, अच्छी तरीके से सोएं, हमेशा हैप्पी रहें और खुश रहें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।